उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका योगी सरकार में चार महकमों की जिम्मेदारी संभाल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। दरअसल मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का झंडा उठा लिया है। बीजेपी छोड़ने के आधे घंटे बाद ही उनके सपा ज्वाइन करने की खबर आ गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ मौर्य की एक तस्वीर भी सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया है। राज्यपाल को भेजे गए इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, श्रम एवं सेवा योजन व समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे एवं लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण यूपी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। इसी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मौर्य ने लिखा, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हाथ मिलाते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, #22 में बाइसिकल। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य काफी वक्त से ये फैसला लेना चाह रहे थे और वे अखिलेश से सीधे संपर्क में थे। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मौर्य के समर्थन में बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इनमें बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, शाहजहांपुर से विधायक रोशन लाल ने भी पार्टी छोड़ दी है और वो भी सपा में जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो दो दिन में लिस्ट जारी करेंगे कि उनके साथ कौन कौन पार्टी छोड़कर सपा में जा रहा है। आपको बता दें, मौर्य के पास श्रम विभाग, सेवा योजन, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग थे। मौर्य पूर्वांचल के पड़रौना सीट से विधायक थे। बहरहाल चुनाव से पहले धड़ाधड़ बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ना और सपा में शामिल होना किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा, यह देखना होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।